हेलो बच्चों, इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ द स्पेसेस इन द रिएक्शन ए प्लस बी गिवन सी प्लस डी आर 2, 3, 10 एंड 6 मोल पर लीटर रेस्पेक्टिवली एट 300 केल्विन। डेल जी नॉट फॉर द रिएक्शन इज, तो आर का वैल्यू दिया गया है जो कि 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन है। तो हमें फाइंड करना है डेल जी नॉट का वैल्यू। तो यहाँ पे के कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट हम जो यूज करेंगे वो होगा रिलेशन बिटवीन केसी, जो कि क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एंड डेल जी नॉट। अभी डेल जी नॉट क्या है, डेल जी नॉट इज द डिस्प्ले एनर्जी चेंज। तो अभी इस इक्वेशन में जो हमें दिया गया है, ए प्लस बी इज रिएक्टिंग टू गिव सी प्लस डी। अभी अगर इनिशियली हम देखें तो हमारे पास जो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी एट इक्विलिब्रियम अगर हम देखें तो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास 3, 5, देन वी हैव 10 एंड 15 मोल्स। तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम अगर हम फाइंड करें तो क्या आएगा वैल्यू, 10 × 15 डिवाइडेड बाय 3 × 5, तो इसका वैल्यू आएगा 10। अभी डेल जी नॉट और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या, इसका रिलेशन क्या है, इट विल बी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ओके, और यू कैन राइट आर का वैल्यू तो हमें दिया गया है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। इंटू टेम्परेचर दिया गया है, टेम्परेचर इज 300 केल्विन। इस एल एन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इंटू लॉग, तो क्या होगा, इट विल बी 2.2.303 के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम का वैल्यू है 10। तो डेल जी नॉट कितना होगा, यहाँ से डेल जी नॉट विल बी इक्वल टू -2 × 300 × 2.303 log of 10 क्या है, 1। तो इसका वैल्यू आएगा -1381.8 कैलोरी। तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो -1381.8 कैलोरी, दैट इज ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।